हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा किचन टिप शेयर करूंगी गैस बर्नर की सफाई से रिलेटेड। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना जो है डायरेक्ट बॉईल होकर, दूध वगैरह हो गया जैसे दाल हो गया, तो सीधा बॉईल होकर गैस बर्नर पर गिरता है और इससे क्या होता है कि गैस का जो होल है ना वो बंद हो जाता है और इससे गैस कम निकलती है, जिससे हमारा खाना जो है बहुत ही लेट पकता है। आपको दिखा देती हूँ कि ये गैस बर्नर का जो होल है पूरी तरीके से बंद हो गया है। देखिए खाना जो है इसी में डायरेक्ट गिरता है, जिसे गैस बर्नर का होल है बंद हो चुका है। तो इसको हम बहुत ही आसानी से कैसे घर पर क्लीन करें, इसके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिएगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इसकी सफाई के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कटा हुआ नींबू का छिलका। ये देखिए, जब हम लोग नींबू का रस निकालते हैं तो उसके रस को यूज़ करते हैं और इसके छिलके को फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छिलका जो है बहुत ही कमाल की यूज़ होता है किसी भी चीज़ की सफाई करने के लिए। जैसे अगर आप घर का पोछा वगैरह लगा रहे हैं ना, तो कटे हुए नींबू के छिलके को बॉईल करके आप पानी को उसमें डाल दीजिए, घर जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। उसी प्रकार से गैस बर्नर भी बहुत ही अच्छे से सफाई होता है, उसका सारा जो होल बंद हुआ रहता है ना खुल जाता है। तो कटे हुए मैंने नींबू के छिलके ले लिए हैं और आपको लेने हैं बची हुई चाय पत्तियाँ। चाय बनाते हैं तो जो चाय पत्ती बच जाती है उसको भी हम लोग फेंक देते हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। बची हुई चाय पत्ती खाद के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है पौधों में। तो बची हुई चाय पत्ती को हमें ले लेना है और ले लेना है नींबू के छिलके को। इसको दोनों को अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो किसी बड़े बर्तन में हम दोनों चीज़ को डाल देंगे और इसमें पानी डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। पानी जो है थोड़ा सा बॉईल होने लगे तो हम उसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक। पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाए, मिल जाए, उसका छिलका जो है अच्छे से पक जाए, फिर हमें इसको किसी बॉल में पलट लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी मैंने करीबन 2 गिलास किए थे, ये उबलकर इतना ही बचा है। नींबू भी जो है अच्छे से इसमें पक गया है, इसका जो भी बचा हुआ रस था वो पानी में मिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, गैस बर्नर जो है जिसका होल बंद हो चुका है उसको हम इस पानी में डुबा कर रख देंगे करीबन 10 मिनट के लिए। इसको इस पानी में डुबा देते हैं। दस मिनट के बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो गैस बर्नर है ना बहुत ही अच्छे से चमक जाएगा, इसका जितना भी गंदगी है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगी। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये कैसे बहुत ही अच्छे से चमकेगा, लेकिन उसके लिए हमें अभी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही डुबा कर छोड़ना पड़ेगा। फिर इसको हमें रगड़ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ये अपने आप साफ हो जाएगा। तो हम अभी इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको ऐसे ही डुबा के छोड़ा था, आपको 10 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसे बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल नए की तरह चमक रहे। अब आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, बिना रगड़ लगाए, बिना हाथ लगाए कितने अच्छे से चमक रहे, बिल्कुल नए की तरह हो गया है। ये टोनर जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की टिप्स है, मैं इसका इस्तेमाल खुद करती हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। आप भी गैस बर्नर की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, आप खुद देख ही रहे हैं। दूसरा वाला दिखाती हूँ आपको। सो देखिए फ्रेंड्स, इसका कुछ कुछ कालापन बचा हुआ है जिसको हम टूथब्रश से साफ करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, और कुछ तो चाय पत्तियां हैं इसको अभी हम साफ करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसका जो सारा होल जो है ना बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है, इसको आपको साफ पानी से धोकर दिखाती हूँ अभी। सो देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से क्लीन हुआ है, बिल्कुल नए की जैसा, और थोड़ा सा बच गया, उसको हम लोग टूथब्रश से साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। वैसे तो इसको और सफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा इसको टूथब्रश से और हल्का हल्का साफ कर सकते हैं सर पर, यह और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वैसे तो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है ना फ्रेंड्स, कमाल के रिजल्ट। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो जरूर कीजिए, बहुत ही कमाल की टिप्स है, बहुत ही यूजफुल है।
तो देखिए इसका जो सारा होल बंद हो चुका था ना, वो पूरा अच्छे से खुल चुका है। जितनी भी गंदगी थी वो बहुत ही अच्छे से साफ हो गई है। अब आपकी गैस जो है बिल्कुल भी कम नहीं जलेगी, लौ जो है बहुत ही स्पीड से आएगी, आपका खाना भी बहुत जल्दी बनेगा। सो फ्रेंड्स, टिप्स बहुत ही यूजफुल है, आप भी इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल घरेलू शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।